हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अगर हम बात करें आज की डेट की, तो इसमें हमें आज की डेट में आपको काफ़ी सारी वीडियो आती हुई मिलेगी। और अगर बात करें इस वीडियो में दो कंपनी के रिजल्ट आए, IRCTC, IRFC। उनके रिजल्ट से देखेंगे, उनसे रिलेटेड क्या आगे हो सकता है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलती रहे। बाकी यहाँ पर कल की डेट में तीन वीडियो आई थी, इन वीडियो को जाके देख लीजिएगा। प्रिंस पाइप से भी बेहतरीन यहाँ पर स्टॉक ये लग रहा है, इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर अगर बात करें तो ट्रेडिंग यहाँ पर तीन प्लेलिस्ट बना रखे हैं, इन प्लेलिस्ट को जाके गो थ्रू करिए, इनकी वीडियोस देखिए, तो आपको एक अच्छी खासी नॉलेज स्टॉक मार्केट में किस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं आपको मिलेगी। और कुछ स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हमने बातें करी है, इस सारी वीडियो में आपको मिलती हुई नजर आएगी। और अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक है, क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, IRFC की, मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 1.05 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड देती हुई नजर आई है यहाँ पर कंपनी। और अगर ये फाइनल डिविडेंड है इनका, और इनके रिजल्ट से रिलेटेड बातें करें तो IRFC का बिजनेस क्या है तो वो समझ लेते हैं। तो IRFC का बिजनेस ये है कि फाइनेंस की कंपनी है, फाइनेंस करती है, क्या करती है, लोन देती है, किसे देती है, IRCTC मतलब इंडियन रेलवे को देती है। और इंडियन रेलवे आपको पता है मोनोपोली बिजनेस है, तो इनके रिजल्ट भी अच्छे आने हैं, इनके बिजनेस भी अच्छा होना ही है। और जिस तरीके से इंडिया में अगर बात की जाए, जैसे बॉडी में नर्व्स होती है, इसी तरीके से इंडिया की जो नर्व्स है ना, वो कहीं ना कहीं रेलवे है। इसी तरीके से लाइन मतलब ईस्ट नॉर्थ और सॉरी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को इसी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और बात करें मिलियंस इन रुपीज में यहाँ पर रिजल्ट है इस क्वार्टर के, ये Q3 के, Q4 के यहाँ पर रिजल्ट है। और अगर बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो यहाँ पर 44,549 मिलियन से रुपीज का यहाँ पर रेवेन्यू है इस बार का। और इससे पहले क्या है, 39,000 था, इस बार 32, मतलब ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस की, सॉरी यहाँ पर दूसरा यहाँ पर कोई वो निकल गया, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर बात करते हैं, तो फिर भी अब अगर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 14,825 मिलियन से रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 10,000 का था, और इससे पहले 6,546 मिलियन से रुपीज का प्रॉफिट था। तो अगर बात करें ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, और बात करें ईयरली बेसिस पे तो और बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है। और ये दिखाती है कि ये जो छोटा सा शेयर है 26 रुपए 25 रुपए का, ये इस बहुत दूर जाने वाला शेयर है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर EPS भी इस चीज को बताता है, 1.23 रुपए का यहाँ पर EPS है, इससे पहले 80 पैसे का, इससे पहले 62 पैसे का यहाँ पर EPS है। और यहाँ पर अगर फुल वे में देखे तो यहाँ पर जो एक्सपेंस की बात करी थी, एक्सपेंस देखिए 29,000 मिलियन से रुपीज के है, इससे पहले 28,000 था, इससे पहले 25,000। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेवेन्यू में से यहाँ पर माइनस कर देते हैं यहाँ पर एक्सपेंस को, टोटल एक्सपेंस तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि ऊपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अच्छे खासे यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कंपनी ने किया है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, काफी बेहतरीन कंपनी है। इसके अलावा एक और कंपनी है IRCTC, एक बार इनके रिजल्ट देख लेते हैं, इसके बाद हम इनके कंक्लूजन पे भी आएंगे और इसके क्या आगे हो सकता है उसको देखेंगे। तो अगर बात करें IRCTC, तो इसने 5 रुपए का डिविडेंड दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर अगर इनके रिजल्ट देखते हैं तो सेम ये इस क्वार्टर के रिजल्ट है, Q3 के और ये Q4 के लास्ट ईयर के। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर अगर हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा। देखिए कैटरिंग का बिजनेस है जो कि इनका, यहाँ पर कैटरिंग का रेल नीड और यहाँ पर इंटरनेट टिकटिंग और टूरिज्म और स्टेट तीर्थ, यहाँ पर ये बिजनेस करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, टोटल रेवेन्यू 35,825 लाख रुपीज, से पहले 24,523 था, इससे पहले 59,570 लाख रुपीज था। तो ईयरली बेसिस पे गिरावट है, और ऑफ कोर्स ही बात है यहाँ पर पेंडेमिक था, रेलवे बंद थी, तो यहाँ पर गिरावट होनी है। बट अगर बात करें क्वार्टरली बेस पे, तो यहाँ पर ट्रेन है यहाँ पर चालू हुई थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर जंप दिखाई दी है। और अगर बात करते हैं एक्सपेंस की, तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पर देख सकते हैं 21,617 लाख रुपीज का यहाँ पर एक्सपेंस है इस बार का, इससे पहले 14,000 था, इससे पहले 40,000 लाख रुपीज का यहाँ पर एक्सपेंस था। अगर बात है ईयरली बेसिस पे और तो यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है एक्सपेंस, बट क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,378
लैक्स रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 7808 था, इससे पहले 13514 लैक्स रुपीज का प्रॉफिट था। मतलब ईयरली बेसिस पे अगर बात करें तो गिरावट नजर आ रही है, ओके, और वो भी इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है जितनी, और क्वार्टरली बेस पे अगर बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है। अगर बात करें अब यहाँ पर कंपनी और बेहतरीन परफॉर्मेंस आगे के टाइम में करती हुई नजर आएगी, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बात करें ईपीएस की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6.49 रुपए का ईपीएस है, इससे पहले 4.88 रुपए का ईपीएस है, इससे पहले 8.25 रुपए का ईपीएस है। तो कंपनी ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, इस चीज को इंडिकेशन है ये चीज। और यहाँ पर अगर देखे डिविडेंड, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा शायद यहाँ पर 5 रुपए का डिविडेंड दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक बार देख लीजिएगा इस चीज को। और इनका देखिए सेगमेंट में कैटरिंग का जो बिजनेस है वो ज्यादा हैम्पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सब घर का ही खाना प्रेफर कर रहे थे। और तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर शुरू हुई थी तो यहाँ पर जंप है, बट ईयरली बेसिस पे गिरावट है। रेल नीड की बात करें तो वो भी क्वार्टरली बेसिस पे जंप है, बट ईयरली बेसिस पे गिरावट है, क्योंकि लोग इसमें भी कहीं ना कहीं पानी घर का ही अपना ही पीना पसंद करते थे। इंटरनेट टिकटिंग की बात करें तो यहाँ पर कंपनी की टिकटिंग दोबारा शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस शुरू हो गया, और मेन बिजनेस यही है। और बात करें टूरिज्म की, तो यहाँ पर टूरिज्म तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इफेक्ट होना ही चाहिए, तो ईयरली बेसिस पे तो गिरावट है, बट क्वार्टरली बेसिस पे शुरू हो गया, तो इस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर कुछ चीजों से रिलेटेड। तो इंडियन IRFC की बात करें तो लगभग 26 रुपए के आसपास का शेयर है, और आज जैसे ही न्यूज आई थी तो यहाँ पर शेयर भागता हुआ दिखाई भी दिया था, और नई लिस्टिंग में अभी फेब में ये शेयर आता हुआ, जैन फेब में आया था वो दिखाई दिया था। उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट, और अभी लगभग 30% की गिरावट के बाद अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर, तो कंपनी काफी बेहतरीन है, जो इसका परफॉर्मेंस है क्वार्टरली वाइज वो बेहतरीन है, ओके। ईयरली वाइज भी अगर हम बात करें, ईयरली वाइज भी कंपनी 7507 करोड़ से सीधे डबल से, मतलब 5 साल में डबल से भी ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। तो ये चीज देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, और नेट प्रॉफिट वो भी हाईएस्ट एवर है, तो ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है, और अच्छा खासा ये आगे परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। रिजर्व्स भी काफी बेहतरीन है कंपनी के पास, और कैश फ्लो भी अभी देखेंगे तो अभी अपडेट नहीं हुआ, अभी तक तो नेगेटिव था। और यहाँ पर चार्ट, यहाँ पर देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 86.36% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, कभी भी OFS भी आ सकता है, इस चीज को भी देखिएगा। FIs की बात करें 1.44% की, DIs की बात करें 4.23% की, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास केवल और केवल 8% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो ये हो गई IRFC की बात। और IRCTC से रिलेटेड तो हमने काफी बार यहाँ पर बातें करी ही है, IRCTC एक दिग्गज स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है, और इंडियन रेलवे चलनी है। थोड़ा सा हो सकता है कि एक साल जो इसने परफॉर्म नहीं किया, आगे और 6 महीने शायद परफॉर्म ना करे, बट उसके बाद जब परफॉर्म करना शुरू करेगा तो हाईएस्ट एवर रिटर्न देते हुए नजर आएगा, जो कि इसकी ROCE ही बताती है, 62% की इसकी ROCE है, जो कि माइंड ब्लोइंग है। और अगर बात करें यहाँ पर सेल्स, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही थी, बट यहाँ पर बाद में पेंडेमिक आया, गिरावट होती हुई नजर आई, जिसकी वजह से यहाँ पर नंबर्स कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पर दोबारा से कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट नहीं है, अच्छा खासा रिजर्व्स है, ओके। तो ये सारी चीजें बताती है कि कंपनी कितनी बेहतरीन है, और कैश फ्लो जो भी पैसा आता है यहाँ पर दिखाई देता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 67%, 8% के आसपास की FIs, DIs की बात करें तो 10% की हिस्सेदारी, उन्होंने हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। इससे पहले FIs ने बढ़ाई थी, जब मैंने वीडियो बनाई थी, कि 0.88 से सीधे 8.38 बढ़ा दी है। और पब्लिक की बात करें तो 14% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये कंपनी काफी बेहतरीन कंपनी है। और अब कुछ चार्ट और टेक्निकल से रिलेटेड अगर हम बात कर लेते हैं, तो IRFC का चार्ट, IRCTC का यहाँ पर चार्ट पैटर्न आपके पास है, जो हमने यहाँ पर पहले वीडियो बनाई थी, लगभग 3200 के आसपास का यहाँ पर टारगेट आ रहा है, जो अचीव होना है, बट थोड़ा सा टाइम लेगा। और क्यों लेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर से क्या लग रहा है कि ये शेयर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आएगा, और शायद ये अब 1800 के आसपास आ सकता है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, और एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, कप विद हैंडल पैटर्न का, जो ये अच्छा खासा आपको भागता हुआ फिर दिखाई देगा ये शेयर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए, और फिर उसके बाद जैसे कि ट्रेंड चालू हो रही है,
फिर उसके बाद भागता हुआ दिखाई देगा। और थोड़ा सा अगर कोई जंप आता है तो उसमें बाइंग करने की ज्यादा जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि वो एक हो सकता है ट्रैप की, क्योंकि इतने अच्छे भी रिजल्ट नहीं आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वो ऑब्वियस भी था, बट थोड़ा सा और टाइम देते हैं तो ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा। तो IRCTC में थोड़ा सा गिरावट हो सकती है। तो और बात करें IRFC की, तो IRFC तो देखिए दिग्गज यहाँ पर रिजल्ट पेश कर रही है, नो डाउट यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे। और अपने बॉटम से बात करें तो लगभग 26% के यहाँ पर रिटर्न, 26-27% के रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है ये शेयर। और यहाँ पर अगर बात करें तो एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को लगता है कि और ऊपर जा सकता है 26-27 रुपए के आसपास ये शेयर। फिर उसके बाद एक गिरावट मुझे लग रही है कि यहाँ पर हो सकती है, और ये शेयर दोबारा आके 23-24 रुपए के आसपास यहाँ पर मिल सकता है ये शेयर। तो जब ये यहाँ पर इस आएगा तो यहाँ पर शेयर को खरीद लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनता हुआ तब नजर आएगा, एक कप विद हैंडल पैटर्न बन सकता है या रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन सकता है। तो अभी इतनी जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी के लिए थोड़ा वेट वेट करिए, इस शेयर को थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पर बाइंग की एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनेगी और ये शेयर अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ फ्यूचर में भी नजर आएगा। बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके आपको जो भी पोजिशन लेनी है लेनी है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर अभी कुछ ऐसा कोई चार्ट पैटर्न यहाँ पर बन नहीं रहा है, अदरवाइज बताता, बट मुझे जो चार्ट पैटर्न फ्यूचर में बनता हुआ नजर आ रहा है वो दो चार्ट पैटर्न आ रहे हैं, रिवर्स हेड एंड शोल्डर जो कि यहाँ पर अगर बात करें इस तरीके से एक ये यहाँ पर शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखे तो एक यहाँ पर इसका ये शोल्डर बना, फिर उसके बाद एक अच्छा खासा हेड बनना, और के और एज वेल एज यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर सब दोबारा नीचे आके ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए बेसिस पे कह रहा हूँ। और बाकी बात करें कप विद या इसे छोड़ दे तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं और तब देखते हैं, तब ये चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आएंगे, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को कनेक्ट कराए हमारे चैनल के साथ, इस तरीके की वीडियो को शेयर भी करिए ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले, सीखे और सीख के जब मार्केट में आएंगे अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।